के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। विचार नियम के सात सूत्र, द सेवन लॉज ऑफ थॉट। जागृति संदेश के इस भाग में चौथे विचार सूत्र द्वारा हम अपने विचार एवं दृष्टिकोण बदलकर सत्य के दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की कला सीखेंगे। अब सुनते हैं विचार सूत्र चार। विचार सूत्र चार, दुनिया वैसी नहीं है जैसे आपको दिखाई दे रही है, दुनिया वैसी है जैसे आप हैं, जैसे आपके विचार हैं। दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसे आप हैं। सभी की दुनियाएं अलग अलग हैं। इस विचार सूत्र की बुनियाद पर सामने वाले के प्रति हमारी शिकायत कैसे दूर हो सकती है, ये समझ हम प्राप्त करते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसे हमें दिखाई देती है, दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। ये दुनिया आईना है। कैसे इसके विस्तार में जाएंगे? एक इंसान जिसके साथ एक घटना हुई, किसी ने उसे थप्पड़ मारी, उस घटना को 10 साल हो गए। जब थप्पड़ पड़ी तकलीफ हुई रहेगी, बुरा लगा होगा, दुखाया होगा, सहज है। अब वो इंसान कहता है कि फलां पर्सन बड़ा जालिम है, उसने मुझे थप्पड़ मारी थी, मुझे आज भी याद कर करके दुख होता है, 10 साल से मैं जल रहा हूँ। तो आप उससे पूछोगे कि उस इंसान ने आपको थप्पड़ मारी या गाली दी या जो भी घटना हुई, तो उसने आपको दुख दिया और फिर तुम 10 साल तक वो याद कर करके खुद को दुख दे रहे हो, दोनों में से जालिम कौन? उसने भी आपको दुख दिया, आप भी खुद को दुख दे रहे हो, और आप शिकायत क्या कर रहे हो? उसको क्यों नहीं बोल रहे? उसको क्यों नहीं बोल रहे कि तुम जो खुद को इतना दुख दे रहे हो, पहले उसको बंद करो। तुम खुद को ये याद कर करके जो कितना दुख दे रहे हो, अपने ऊपर कृपा करो। पर्सन शिकायत, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अरे तुम करते हो, दूसरे के लिए शिकायत कर रहे हो कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। क्या तुम खुद को करते हो प्यार? जो खुद को प्यार करता है वो खुद को दुख देना चाहेगा? तो ये नफरत द्वेष से क्या खुद को तकलीफ भी तो दे रहा है इंसान। तो जब ये रियलाइजेशन होगी, मैं खुद को इतनी तकलीफ दे रहा हूं और शिकायत दूसरे की कर रहा हूं, तो जो सामने वाला मेरे साथ कर रहा है वही तो मैं खुद के साथ कर रहा हूं, तो उसकी शिकायत क्या करना? शिकायत क्यों बंद होती है? जब सत्य सामने आता है कि हमें पता चलता है कि सामने वाला वैसा कर रहा है मगर मैं भी तो वही कर रहा हूं। कोई कहता है फलां पर्सन कामचोर है, तो तुम कहां कहां कामचोरी करते हो अपने आप से पूछो। चलो तुम किचन में अच्छा काम करते हो, ये अच्छा काम करते हो, मगर जब व्यायाम करने के लिए कहा तो आज नहीं कल करते हैं, कल कल करके कितना समय निकालते हैं। तुम कहां काम चोरी करते हो? ये जब पूछोगे तो सामने वाले के प्रति जो शिकायत उठी ना कि ये कामचोर है, ये बुरा है, ये ऐसा है, तो अच्छा ये मैं खुद कहां कहां करता हूं, खुद को ही पूछना, खुद को ही बताना। तो आपको आश्चर्य होगा कि अरे हम भी तो वही कर रहे हैं, दूसरों के प्रति शिकायत जो है वही तो कर रहे हैं। दोष हमें अपने अंदर ढूंढ लेना है तो मुक्त होने की संभावना है। दूसरों में ही दोष ढूंढते रहे, मुक्ति कभी मिलेगी नहीं। हमने समझा कि असल में संसार हमारे लिए आईना है। हमारी रुचि और डर हमारे जीवन में कैसे परिणाम लाती हैं, इसे आगे समझते हैं। चौथे सूत्र में जैसे आपने सुना, दुनिया वैसी नहीं है जैसे आपको दिख रही है, दुनिया वैसी जैसे आप हो। अब इसको समझना, मैं हूं यानी मैं क्या हूं, यानी जिसमें आपकी रुचि है वही दुनिया आपकी बन जाती है। जैसे आपके विचार हैं वैसी दुनिया बन जाती है। उसको उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण क्या है? आप शोरूम में गए हो, एक गाड़ी परचेस करनी है आपको, बुक करनी है गाड़ी, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, जो भी आप गाड़ी लेने गए हैं,
शोरूम में बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे रंग की गाड़ियां पड़ी हैं, बहुत सारे मॉडल, फिर आपको एक पसंद आती है, एक रंग और एक मॉडल की गाड़ी आपको पसंद आती है, आप बुक करते हो और कुछ दिनों के बाद वो आपको मिलने वाली है, कुछ दिनों के बाद वो आपको मिलने वाली है। अब ये जो कुछ दिनों का पीरियड है, इस पीरियड में आप रास्ते से आओगे जाओगे आओगे जाओगे, तो क्या होने वाला पता है? आपको उसी मॉडल की गाड़ियां दिखने वाली है, उसी कलर की गाड़ियां दिखने वाली ज्यादा। अरे अचानक कहां से आ गई, पहले भी तो थी, अचानक दिखने लग गई, अचानक आपके दुनिया का हिस्सा बन गई। कितने लोगों ने ये महसूस किया है, हाथ ऊपर करे, अरे सभी है यहां तो, तुरंत समझ में आ गया, अरे हाँ, पहले भी आप रास्ते से जाते थे, हजार क्या लाखों बार वो गाड़ियां गई थी आपके आसपास से, आपको नहीं दिखी थी, अचानक वो कहां से प्रकट होने लग गई, अचानक बोलेंगे अरे बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं ये गाड़ी, यानी ये आपके दुनिया का हिस्सा बन गई, पहले नहीं थी। ये गाड़ियां आपके दुनिया का हिस्सा नहीं थी क्योंकि आपकी उनमें रुचि नहीं थी। जैसे ही आपकी रुचि जग गई, बुकिंग हो गई, तो आपने जीवन में क्या क्या बुक करके रखा है वही दिख रहा है आपको। जिस चीज में रुचि जग गई वो दिखना शुरू हो गया, और सिर्फ रुचि नहीं, जिस चीज में आपकी चिरू है, चिरू यानी उल्टा, रुचि का उल्टा यानी डर है जिस चीज से, वो भी दिखना बढ़ जाती है। जिस चीज का डर है ना, वो चीजें दिखना बढ़ जाती है क्योंकि रुचि का अपोजिट है वो, चिरू कहा तो उसका अपोजिट, रुचि चिरू, ये आपकी दुनिया बन गई। अब आप कहोगे कि मैं, ये मेरी रुचि, यानी आप जो हो उसी में रुचि रखोगे। अगर आप अपने आप को शरीर मानोगे तो आपकी रुचि वैसे होगी, अगर आप अपने आप को मन मानोगे आपकी रुचि वैसे होगी, आप सेल्फ पर स्टेबलाइज हो जाओगे, आप सेल्फ में ही इंटरेस्ट रखोगे। तो ये तरीका है अपनी दुनिया बदलने का, हमारी रुचि किस में है, पहले हम होश में आए, मैं आगे क्या देखना चाहता हूं, उस चीज की बुकिंग करनी है, उस चीज में रुचि लानी है। तो हर इंसान के अंदर कोई है जो रुचि रख रहा है, इस चीज में उस चीज में रुचि रख रहा है। ऐसा करते करते अंतिम अवस्था क्या आती है, अंतिम अवस्था ये आएगी कि जो हमारे अंदर इंटरेस्टर है, इंटरेस्टर रुचिकार, जो हमारे अंदर रुचिकार है इंटरेस्टर, उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा आपको, इंटरेस्टर में इंटरेस्ट। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जो रुचि रखता है हर चीज में, अलग अलग चीजों में और अलग अलग शरीरों के द्वारा अलग अलग चीजों में, इसलिए इतनी दुनियाएं बन गई। इतनी दुनिया क्यों, हर एक अपनी दुनिया लेकर घूम रहा है। आत्म साक्षात्कार के बाद, स्टेबलाइजेशन के बाद जो दुनिया होगी वो कौन सी दुनिया होगी, कुछ नहीं या सब। आपकी रुचि किस में है, कुछ नहीं या सब, एक ही में रुचि है तो आप उसमें मान्यताओं में उलझते जाते हो, दूसरों से नफरत करने लगते हो क्योंकि आपकी दुनिया वो है। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, ईसाई हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, ये सब जो बातों की वजह से एक दुनिया बन गई थी, आप उस दुनिया से बाहर आ गए, वो दुनिया समाप्त हो गई। आत्म साक्षात्कार के बाद, स्टेबलाइजेशन के बाद दुनिया समाप्त हो गई, यानी क्या हो गया, दुनिया तो फिर भी दिखती है मगर पहले एक व्यक्ति जिसकी रुचियां थी और वही सब दिख रहा था, वो सब समाप्त हो गया। तो ये तो होने के बाद ही आप समझ पाओगे, जब आपके साथ होने लग गया, क्या आप कहेंगे अरे पहले तो मैं इन इन बातों में इतना उलझता था, क्या हो गया है, वो चीजें दिखती नहीं आजकल, आजकल जो पहले ऐसा सा मैं देख के परेशान होता था वो तो सब बंद हो गया, क्या हो गया, सब वही मगर क्या हो गया, वही शरीर है, वही दर्पण है, क्या हो गया, सब नया क्यों लग रहा है। सब या असब दोनों के पार आप पहुंच जाएंगे, उसके लिए आपको पहले ये बात समझनी है कि मेरी रुचि जिसमें है वो मेरी दुनिया है,
क्या रुचिकार में रुचि लाई जा सकती है? चित्रकार में रुचि लाई जा सकती है? ये कौन चित्रकार है? स्वघटित स्वचलित विशाल काय ये जहां, किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? तो आप ऐसे सुनते हो ना, गाने भी सुनते हो, भजन सुनते हो, तो उस इंटरेस्टर में इंटरेस्ट आ गया कि ये इंटरेस्टर कैसे इंटरेस्ट डालता है और वैसी दुनिया क्रिएट कर रहा है। ईश्वर ने दुनिया क्यों क्रिएट की, किस लिए की, उसका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्टर में इंटरेस्ट। तो खोजी किसको कहा गया है? खोजी किसको कहा गया? जिसका इंटरेस्ट इंटरेस्टर में आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट। पहले वाली दुनिया जो थी आपकी, उसमें जीरो इंटरेस्ट, मतलब ये करना नहीं पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा। पहले आप खुद से पूछेंगे कि मैं किस में रुचि डाल रहा था, खुद को क्या मानकर डाल रहा था। तो दुनिया कैसी है? जैसे मैं हूं, जैसे मेरे विचार हैं, जैसा मेरा इंटरेस्ट है। तो ये सूत्र का रहस्य खुल जाएगा। फिर आप डिसाइड करते हो ये दुनिया सेल्फ के एंगल से देखनी है, सेल्फ के एंगल से, तो वो कैसी दुनिया होगी? वो दो के पार की दुनिया। इसलिए आनंद शब्द आता है। आनंद यानी सुख दुख वाला आनंद नहीं है ये, सुख बोलते तो आनंद, वो वाला आनंद नहीं है ये, ये सुख दुख के पार वैसा आनंद है। तो उसके लिए आप समझ रहे थे विचार सूत्र 4 में, आपको ये बात समझ में आ गई। इस संदेश द्वारा हमने समझा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसे आपको दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आप हो, यानी जिस चीज में रुचि है वैसी दुनिया बन जाती है, जैसे विचार है वैसी दुनिया बन जाती है। हमने कार के उदाहरण से समझा कि जिस चीज में रुचि जग गई वो दिखना शुरू हो जाती है। अंत में हमने जाना कि जब हम ये जान जाएंगे कि हम कौन हैं, हमारे विचार क्या है, हमारी रुचि क्या है, तो इस सूत्र का रहस्य खुल जाएगा। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। यह आश्रम पुणे शहर के बाह्य क्षेत्र में पहाड़ और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसा है। इस आश्रम में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कुल मिलाकर 800 से 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। यह आश्रम पुणे शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा, हाईवे और रेलवे से पुणे में आप आसानी से आ सकते हैं। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हमें खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। श्री, मैं इससे पहले 8 सालों से मैंने बहुत किताबें पढ़े और संस्था में जॉइंट हुआ, लेकिन इतना मुझे समझिए जो 8 साल हो गए, 8 सालों में जो मुझे ज्ञान नहीं मिला वो इन 5 दिनों में मुझे इतना सिंप्लिसिटी, इतना बारीकी से, इतना मतलब इजी तरीके से आपने सिखा दिया सरश्री, कि मैं समझ रहा हूँ कि जो बहुत नए लोग आए हैं वो समझ लीजिए उनका कितना साल बच गया, वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। हैप्पी थॉट सरश्री। विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, इस विषय पर दी गई पुस्तक अवश्य पढ़ें। ये पुस्तक विश्व के हर नागरिक को विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, ये शिक्षा प्रदान करती है। इसका लाभ उठाकर आप दूसरों को ये पुस्तक उपहार स्वरूप दे सकते हैं।